ये जो पीसी है ना, ये पीसी बहुत डिमांड में है क्योंकि राइजन 7 के साथ बनता है। अगर आपको एडिटिंग करनी हो 4K या फिर रेंडरिंग करनी हो, 3D का काम करना हो, तो उसके लिए राइजन 7 का पीसी बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देता है। राइजन 7 का अगर इसका पीसी कोई बिल्ड करता है तो 30,000 रुपये में कंप्लीट हो जाता है, बट यहाँ पर कस्टमर ने अपनी चॉइसेस के हिसाब से 36,000 रुपीज़ में पीसी बिल्ड करा है। तो वीडियो काफ़ी शानदार होने वाली है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जिन लोगों को नहीं पता ना, एक खास चीज़ बता दो इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पर जो कैबिनेट है हमारा यूज़ करा गया है TechP7T2, और इसके अंदर ARGB कॉप्स मिलता है, बटन आपको देखने को मिलता है, मदरबोर्ड से सिंक कर सकते हो, और जो काफ़ी अल्टीमेट चीज़ है ना वो एक रिमोट मिलता है इसके साथ। और अगर जैसे यहाँ पर ब्लू लाइट जल रही है, मैं यहाँ अगर रेड बटन आप देख रहे हो यहाँ पर रेड बटन दबाऊँगा रेड हो जाएगी, अब मैं दबाता हूँ यहाँ पर ग्रीन हो जाएगी, और इसमें जैसे को और ट्राई कर लेते हैं पिंक हो जाएगा, येलो दबाऊंगा येलो हो जाएगा। तो इस रिमोट से कोई भी कलर चेंज कर सकते हो, साथ ही साथ इसके अंदर मोड मिलते हैं, लाइट को डिम कर सकते हो, तेज कर सकते हो, लाइट को ऑफ कर सकते हो। देखो अब यहाँ पर पंखे घूम रहे, लाइट बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। कई बार होते हैं लोगों को लाइट चुभती है, तो वो चीज़ काफ़ी अच्छी है, वापस लाइट को ऑन कर देते हो और ग्रीन कलर कर देते हो। तो ये चीज़ आपको आपसे मिल जाती है इस रिमोट में, जो कि काफ़ी अल्टीमेट चीज़ है, और रेट भी काफ़ी अच्छा है इस कैबिनेट का, तो आप ज़रूर चूज़ करो अगर आपको पीसी बिल्ड करने का ऑप्शन मिलता है हमारी वेबसाइट पे। चलिए बात करते हैं यहाँ पर कीबोर्ड माउस, जो कि RGB लाइट के साथ है, और हम लोग इसको फ्री देते हैं। इसके अलावा विंडो रिटेल की वो भी हम लोग फ्री दे देते हैं, और ये सारी चीज़ें गाइस आप लोगों के लिए फ्री है। अगर आप पीसी बिल्ड कर रहे हो तो हमें ज़रूर चेकआउट करो, हमारी वेबसाइट पर जरूर चेकआउट करो, हमारी वीडियोज़ देखो आप, और यकीन मानो जितने अच्छे हमारे प्राइजेज होते हैं ना उससे ज़्यादा अच्छी हमारी सर्विस होती है। और अगर किसी ने ली हो पहले सर्विस तो कमेंट में ज़रूर बताना गाइस, ताकि नए लोगों को थोड़ा विश्वास हो सके कि यार हम लोग सर्विस भी देते हैं, ऐसा नहीं है बेका बस बात खत्म, हम नहीं जानते आप कौन, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। चलिए बात करते हैं यहाँ पर कौन कौन से हमने कंपोनेंट यूज़ करे हैं। पहले बात करते हैं यहाँ पर प्रोसेसर, और प्रोसेसर में यहाँ पर यूज़ करे हैं राइजन 750 700G 8 कोर 16 थ्रेड के साथ, जिसका प्राइस काफ़ी अमेजिंग है 14,850 रुपये, और बहुत ही अल्टीमेट ये प्रोसेसर है। मतलब क्या ही बताओ इस प्रोसेसर के बारे में, आप 4K एडिटिंग कर लो, एनिमेशन का काम कर लो, या 3D रेंडरिंग कर लो, उसको ध्यान में रखते हुए ये जो प्रोसेसर है ना अल्टीमेट है। साथ के साथ इसके अंदर आपको थोड़ा बहुत ग्राफिक कार्ड भी मिल जाता है, आप गेमिंग भी कर सकते हो, GTA 5, PUBG, फ्री फायर, कॉल ऑफ ड्यूटी, असैसिन क्रीड, ऐसे गेम खेल सकते हो बिना किसी ग्राफिक कार्ड के, और परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी मिलेगी। अब कितनी अच्छी मिलेगी वो बेंचमार्क मैंने लास्ट में लगा दिया, अब चेकआउट कर लेना। बाकी इसको चलाने के लिए मदरबोर्ड भी यहाँ पर हमने यूज़ करा है, जो कि है यहाँ पर गीगाबाइट का B450DS3H वाईफाई, जिसका प्राइस है 7,550, एंड ये मदरबोर्ड के अंदर सारी चीज़ें मिलते हैं मिड रेंज के हिसाब से, 4 RAM स्लॉट, M.2 स्लॉट, इन शॉर्ट हमारे पीसी के लिए ये मदरबोर्ड बहुत ही बढ़िया चॉइस रहने वाला है। अब यहाँ पर दोनों चीज़ें हो चुकी है, बात करते हैं यहाँ पर रैम के बारे में, तो रैम हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं ADATA XPG 16GB रैम 8x2 स्टिक, यहाँ पर 8x2, और एक का प्राइस है 1530, एंड अगर आपने देखो यहाँ पर दो स्टिक यूज़ करे हमने 8x2। जिन लोगों को नहीं पता मैं बता देता हूँ, अगर आप APU लेते हैं जैसे 5700 5600G, जिसमें लास्ट में G होता है, उसमें आप 8x2 मतलब डुअल चैनल में रैम लगाओ, डुअल चैनल में आपको परफॉर्मेंस थोड़ी सी ज़्यादा मिलती है 5 या 6%, जो कि काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। तो यहाँ पर हमने डुअल चैनल में रैम रखी है 16GB 8x2। बाकी रैम के बाद अगर बात की जाए यहाँ पर, तो अगला आता है हमारा स्टोरेज। स्टोरेज हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं कंसिस्टेंट की 512GB M.2 NVMe, जिसका प्राइस है 2850, बढ़िया बिंदास वाली NVMe, 5 ईयर वारंटी के साथ आती है, Gen 4 ये होती है, और बढ़िया स्पीड देती है, और हमारे पीसी के लिए मोर देन इनफ होगी, बढ़िया। अच्छा, इस प्राइस पे XPG क्रूशियल भी आती है, अगर आपको वो पसंद है तो वो भी ले सकते हो सेम प्राइस पे, 2850, ठीक है। स्टोरेज के बाद अगर बात की जाए यहाँ पर, एक एयर कूलर भी हमने यहाँ पर रखा है इस पीसी के अंदर, तो एयर कूलर हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं एनटेक का A400i विथ प्राइस 1720, एंड ये एयर कूलर जो आप मेरे हाथ में देख रहे हो
ठंडा रखेगा, बढ़िया चलाएगा, 4-5-6 घंटे अगर आपको चलाने हो, 10-12 घंटे चलाने हो तो कूलर आज के टाइम पे होना ही चाहिए। ज़्यादा महंगा नहीं आता, बट आप प्रेफर जरूर करो अगर आपका बजट आपको अलाउ करता है तो। बाकी चलिए बात करते हैं यहाँ पर पावर सप्लाई जो कि है गीगावाइट की P550W80+ ब्रोन सर्टिफाइड, जिसका प्राइस है 3100 एंड 5 ईयर वारंटी के साथ आती है और हमारे पीसी के लिए मोर देन इनफ होगी। साथ के साथ 550W है तो फ्यूचर में ग्राफिक कार्ड भी लगाया जा सकता है, ये पावर सप्लाई सपोर्ट करेगी आपको ग्राफिक कार्ड को। क्या होता है कि कस्टमर ने थोड़ा सा ध्यान रखा है यहाँ पर फ्यूचर में अपग्रेड करने के लिए, जैसे पावर सप्लाई थोड़ी ज़्यादा ले ली, क्योंकि काफ़ी अच्छी बात लगी मेरे को, देना ही चाहिए ध्यान फ्यूचर के हिसाब से, क्योंकि पैसा एक बार लगता है फिर बाद में अगर मज़ेदारी नहीं आएगी तो फिर वो दुख है वो चीज़। ठीक है, वापस आते अपने पीसी के ऊपर, जो कि कैबिनेट हमारे खुद का ही है, हमारे घर का ही है, हम ही बनाते हैं, कहीं और मिलेगा नहीं, हमारे पास मिलेगा, बहुत अच्छा रेट है, वारंटी के साथ 1 साल वारंटी हमारी तरफ से, पिक इन डिलीवरी फ्री। चलिए बात करते हैं इस कैबिनेट के ऊपर जो कि है टेक पीसी 7 का T2 ARGB कैबिनेट, 4 फैन के साथ ये आता है, चारों फैन ARGB है, ये सिंक होते हैं आपकी मदरबोर्ड से, आप सॉफ्टवेयर से कंट्रोल कर सकते हो, एक बटन प्रॉपर आपको ऊपर देखने को मिल जाता है, यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हो, जैसे मैंने कलर चेंज करा, अगर मैं दोबारा दबाता हूँ यहाँ पर दोबारा कलर चेंज हो जाएगा, इस बटन से आप चेंज कर सकते हो, सिंक कर सकते हो। साथ के साथ इंटरेस्टिंग चीज़ यह है कि इसके साथ एक रिमोट भी मिलता है, जैसे मैं शुरुआत कराया था इस टाइम इसके अंदर येलो कलर है, अगर मैं यहाँ पर रेड बटन दबाता हूँ तो रेड लाइट हो जाएगी, तो रिमोट से भी आप कंट्रोल कर सकते हो, और भी काफ़ी सारे फीचर्स मिलता है, आप इसके लाइट को डिम कर सकते हो, तेज कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो, जिसमें लाइट ऑफ हो जाएगी पंखे घूमते रहेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलते हैं हमारे कैबिनेट में। प्राइस बता देता हूँ यहाँ पर 3899 इसका प्राइस है, 3900 के आसपास, ARGB कैबिनेट विद 4 फैन विद 1 ईयर वारंटी के साथ, केबल मैनेजमेंट की भी ठीक ठाक जगह मिल जाती है तो केबल मैनेजमेंट भी आप कर सकते हो, बाकी पूरा पीसी कंप्लीट होता है 36,000 रुपीज़ में विद राइजन 7 के साथ, और ज़बरदस्त पीसी है भाई, मतलब बहुत बिक रहा है हमारे पास, तो आप भी जरूर ग्रैब करो, अगर आपको भी ऐसा पीसी चाहिए तो नंबर आपको फ्लैश शेयर होगा मेरे सिस्टम का, इनको आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कोटेशन मांग सकते हो, आप कॉल या व्हाट्सअप करके कुछ भी पूछ सकते हो। वीडियो करते हैं यहीं खत्म, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, बेस्ट पार्ट क्या लगा इस वीडियो का वो मुझे कमेंट में जरूर बताना, एंड चलिए मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, बाकी एंजॉय करिए आप इसके बेंचमार्क।